मुझे वह चंद खिड़कियां और कुछ बालकनियां याद हैं जिससे बाहर देखते ही एक संसार खुलता था। मेरे पास लंबा खाली समय हमेशा से था, गहरा एकांत में। मुझे इस एकांत में किसान जैसा महसूस होता, अपनी सारी मेहनत के बाद में इंतजार करता बारिश का, बीज के फूटने का, फसल के लहलाने का। मैं बहुत भाग्यशाली कभी नहीं रहा, इन एकांतों में जितना भी थोड़ा बहुत बुना गया था उससे कहीं ज़्यादा शेष था पूरे घर में बिखरा पड़ा रहता। जब बिखरा पड़ा बहुत हो जाता इतना कि घर में भी चला ना जा सके तो मैं घर बदल लेता। ये कहानियाँ जाने कितने घरों की याद दिलाती हैं। उन सारे घरों से मुझे वो व्यक्ति झांकता हुआ दिखता था जो लिखा करता था। वो अभी भी वही, जबकि मैं गुजर से चुका हूँ। मैं वो नहीं हूँ, कतई नहीं। मैं तो बस हर अलग अलग समय में उसे सह रहा था, या अगर उससे पूछे तो वो मेरे बारे में कुछ इसी तरह विचार रखता मिलेगा। उससे मिलना समर्पण करना है, बिना समर्पण किए किसी भी तरीके का संवाद संभव नहीं। वो जो बहुत सारा शेष बिखरा पड़ा रह गया था उसने संभाल कर रखा है जो लिखता है। उस शेष की वजह से मैं बार बार उससे मिलने को उत्सुक रहता हूँ। आज जब लोग मेरे जीवन मेरे लेखन की वजह से मुझे जानते हैं या सवाल करते हैं तो मुझे जवाब देते वक्त अजीब से दोगलेपन का एहसास होता है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जिसने कहानियाँ लिखी हैं। मैं तो बहुत पहले गुजर चुका था। करीब 27 साल बाद मैं वापस बारामूला फैजाबाद गया था जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मेरा बचपन बीता था कश्मीर। वो कॉलोनी खंडर हो चुकी थी। अपने घर का दरवाज़ा तोड़कर भीतर घुसना पड़ा। वो घर अंतिम सांसें लेता हुआ कोई जर्जर बूढ़ा था जो ढह जाने के पहले किसी अपने का इंतजार कर रहा था। तभी मेरी निगाह उस छोटे छेद पर गई जहाँ मैं टॉफियाँ छुपाया करता था। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। बहुत देर तक कॉलोनी में भटकता रहा। हर उस गली में गया जहाँ हम खेला करते थे। कॉलोनी से निकलते वक्त एक औरत ने मुझसे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उससे कहा कि वो जो गली का आखिरी मकान है मैं वहाँ रहा करता था, मैं इतने यहीं पैदा हुआ। वो औरत मुस्कुराने लगी और मुझे मेरे कहे पर कतई विश्वास नहीं हुआ। ये दोनों वाक्य इतने झूठे लग रहे थे कि मैं वहाँ से चल दिया। अभी अपनी कहानियों को वापस पढ़ते हुए बिल्कुल इसी तरह का एहसास हुआ। मैं अपने भीतर अपनी हर कहानी का होना पूरी शिद्दत से महसूस करता हूँ, पर इसे कहते ही सारा कुछ ढह जाता है। कहना होने की तुलना में बहुत छोटा समझ लेता है। मैं नास्तिक हूँ। कठिन वक्त में कहानियाँ ही हैं जिन्होंने मुझे सहारा दिया है। मैं बचा रह गया अपने लिखने के कारण। मैं हर बार तेज धूप में भाग कर इस बरगद की छांव तले अपना आसार पा लेता था। इसे भगोड़ापन भी कह सकते हैं, पर यह एक अजीब दुनिया है जो मुझे बेहद आकर्षित करती है। इस दुनिया में अधिकतर मुझे हारे हुए पात्र आकर्षित करते हैं। हारे हुए पात्रों के भीतर एक नाटकीय संसार छिपा हुआ होता है, जबकि जीत की कहानियाँ मुझे हमेशा उबा देने वाली लगती हैं। जब भी मैं अपना कोई लिखा पूरा किया है उसकी मस्ती मेरी चाल में बहुत समय तक रही है। अगर हम प्रेम की बात करें तो मैंने उसे पाया अपने जीवन में और उसे समझा अपने लिखे में। प्रेम करते हैं।